नमस्कार। आज हम सभी भारतीयों के लिए एक विशेष अवसर है जब हम डॉक्टर विक्रम साराभाई की 100वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, शताब्दी मना रहे हैं। यह अवसर एक ऐसे समय पर आया है जब भारत चंद्रमा पर उतरने जा रहा है। अगले महीने जब विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा तो ये 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से डॉक्टर साराभाई को एक विशेष श्रद्धांजलि होगी। साथियों, मुझे खुशी है कि भारत सरकार के दो विभाग, स्पेस डिपार्टमेंट और दूसरा न्यूक्लियर एनर्जी डिपार्टमेंट, ये दोनों मिलकर के इस जन्मशती का आयोजन कर रहे हैं। मैं इसके लिए दोनों विभागों को बधाई देता हूं। इस साल जनवरी में ही मुझे अहमदाबाद में उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर मिला था। साथियों, अहमदाबाद जन्मभूमि के साथ साथ उनकी कर्मभूमि भी रहा। अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उस कालखंड में जो कुछ भी निर्माण हुआ उसमें उनकी भी भूमिका रही। साथियों, डॉक्टर साराभाई को वैज्ञानिक समुदाय भलीभांति जानता है। ये भी आवश्यक है कि आज की पीढ़ी के लिए उनके प्रेरणादायी जीवन के बारे में जानना बहुत उपयोगी होगा। डॉक्टर विक्रम साराभाई को बचपन में ही विज्ञान की बारीकियां और मशीन की दुनिया ने आकर्षित किया। ठीक उसी प्रकार हमारे आसपास अनेक ऐसी प्रतिभाएं हैं जो उनसे और ऐसे महापुरुषों से सीख सकती हैं। डॉक्टर सीवी रमन के मार्गदर्शन में बचपन में ही विज्ञान के प्रति डॉक्टर साराभाई का आकर्षण बढ़ा और यही आकर्षण भारत के वैज्ञानिक भविष्य का मिशन बन गया। उसी तरह आज की पीढ़ी को भी अपने लक्ष्य तय करने में अनेक महापुरुषों से प्रेरणा मिल सकती है। साथियों, डॉक्टर साराभाई पूरी तरह से आश्वस्त थे कि भारत के विकास का रास्ता विज्ञान और टेक्नोलॉजी के जरिए ही निर्मित होगा। वे कहते थे कि अगर देश और दुनिया में हमें अपनी सार्थक भूमिका निभानी है तो जनता की, समाज की हर समस्या के समाधान के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग में हम किसी से पीछे न रहे। उनके इसी विजन ने आज भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी ताकत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। स्पेस टेक्नोलॉजी हो या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, आज इन दोनों का उपयोग हम भारत के सामान्य जन की सुविधा और सुरक्षा के लिए कर पा रहे हैं। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी को जन सरोकार से उन्होंने कैसे जोड़ा, इसका बेहतरीन उदाहरण है साइट प्रोग्राम, SITE। सैटेलाइट और टेलीविजन को शिक्षा से जोड़ने का पहला सफल प्रयास डॉक्टर साराभाई ने ही किया। इसी से प्रेरित होकर गुजरात के खेड़ा से कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट चला और देखते ही देखते भारत में सैटेलाइट से शिक्षा का माध्यम विकसित होता गया। साथियों,
आज हर भारतवासी अपनी वैज्ञानिक क्षमताओं पर गर्व करता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि डॉक्टर होमी भाभा के निधन से देश के विज्ञान जगत में जो खालीपन आ गया था उसको भरना कितना मुश्किल रहा होगा। डॉक्टर साराभाई ने उस वॉइड को तो भरा ही, अपनी कुशलता से, अपनी नेतृत्व क्षमता से हमारे परमाणु और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को नया आयाम दिया। यही कारण है कि जिस रॉकेट को उन्होंने थुम्बा से छोड़ा था वो आज अलग अलग स्वरूप लेता हुआ हमें चांद और मंगल तक पहुंचा रहा है। आज स्पेस में भारत की हर उपलब्धि को पूरी दुनिया चकित होकर के देख रही है, प्रशंसा से भरी हुई है। साथियों, डॉक्टर साराभाई एक महान वैज्ञानिक तो थे ही, एक बेहतरीन इंसान और अंतर मन से वे शिक्षक भी थे। वे कितने भी व्यस्त रहे लेकिन विद्यार्थियों के लिए हमेशा समय निकालते थे। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि नए भारत का निर्माण कुशल और सक्षम वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी ही करेगी। आज जब आप सभी को, देश के हर वैज्ञानिक को देश देखता है तो महसूस होता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई कितने दूरदर्शी थे। वो विज्ञान के लिए समर्पित सिपाही तो थे ही, उन्होंने भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा को भी प्रोत्साहित किया। भारतीय दर्शन की उन्हें गहरी समझ थी। वे कहते थे कि कर्मण्येवाधिकारस्य का सिद्धांत ऑब्जेक्टिविटी और डिटैचमेंट का आधार है, जो वैज्ञानिकों के लिए बहुत जरूरी है। साथियों, डॉक्टर साराभाई के जीवन के सीख बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे पास जो क्षमता है, कौशल्य है, वो तब तक अधूरा है जब तक उससे समाज का, देश का हित न हो। यही कारण है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के हर विद्यार्थी से मेरी अपेक्षा रहती है कि वो समाज की समस्याओं को समझे और उसके समाधान के लिए इनोवेशन करें, आविष्कार करें। डॉक्टर साराभाई एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ करके गए हैं। यह हम सभी का दायित्व है कि इस विरासत को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि युवा पीढ़ी प्रेरित हो सके और अपने ज्ञान से, कर्म से देश का ही नहीं बल्कि पूरी मानवता का भविष्य संवार सके। मैं आज देश भर के सभी लोगों से, खासकर विद्यार्थियों से, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं से आग्रह करता हूं कि इसरो के ऑनलाइन स्पेस क्विज, उसमें जरूर हिस्सा लें। 10 अगस्त से ये क्विज शुरू हो चुकी है और 20 अगस्त तक चलेगी। इस कंपटीशन में प्रत्येक राज्य से 2 विजेताओं को 7 सितंबर को हरिकोटा आमंत्रित किया जाएगा। वो उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे जब चंद्रयान 2 चंद्रमा पर उतरेगा। इस अवसर पर डॉक्टर विक्रम साराभाई की स्मृति में सिक्कों, फोटो एल्बम और अंतरिक्ष में
भारत की उपलब्धियों पर संग्रहणीय पुस्तक के प्रकाशन के लिए भी मैं अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग को बधाई देता हूं। एक बार फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई को मैं आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।